क्या दिक्कत है? रिकॉर्ड करने तो बेचारे ने शाम ने वीडियो भी तो डालनी है। किशोर प्रसाद आशय है भाई, देखो मैं बताऊं बात, बहुत ही सम्मानित जितनी भी कमेटी है जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रही है, उसके सभी सदस्यगण, उसके प्रधानगण और जो लोकल कमेटी है उसके भी सभी सम्मानित साथी हैं। मैं भी आपसे, आपके अंदर से हूं, आप मेरे अंदर से हैं, हम कोई दो नहीं है। जो दर्द आप लोगों का हो, दर्द मुझे भी है। ये तो बात है आंदोलन की। दूसरी बात रही माफी मांगने की, जितने भी ये हल्का के मैं जाना कोई काम नहीं बचा था, मैंने ये कह के भेजे थे आग भाई तामी, चाहे मैंने गलती कर रखी हो चाहे ना कर रखी हो, तामू कहोगे ना पाँ पकड़ने तो मैं पाँ पकड़ूंगा, माफी मांगनी तो माफी मांगूंगा, चाहे मेरा सिर फोड़ रखे तो भी माफी मांगना तैयार है, ठीक है। दूसरी बात ये शिशाए क्या है भाई, ये मन आया कि कण लागे भाई बोला भाई मारी छोरी रोकी, मारी बहू बेटियां बेइज्जती करी, हमें जाके कहवांगे। मैं कह दो भाई मैं क्यों रोकू, उसमें भी मेरी गलती है भाई, उसकी माफी मांग दूंगा, या गांव वाले भाई कहेंगे तो भाई सारी बात कहूंगा, अधिकार सब न है। तमने कहा आज इन्होंने कहा मैं कब्जे में हूं, जो हल्के के लोग हैं या गांव वाले कब्जे में हूं, जब मैंने ये कह दी मैंने गलती नहीं रखी तो भी ये कहें माफी मांगने मांगूंगा, नुकाय पा पकड़ ले पा पकड़ लूंगा, क्या दिक्कत है मेरे भाई हो तम भी, किसी बात का निमेड़ा होता हो तो इतनी बात में मेरे दिक्कत क्या है, या तो माफी मांगने की बात मत पा पकड़ लो प्रधान जी पा कंधे हो तो ना ना, यदि उस बात में तो पा पकड़ लूंगा, मेरा कोई शर्म नहीं है इस बात की, सुन लो मैं उसकी भी माफी मांग लूंगा, मैं उसकी भी माफी मांगूंगा, बस शांत हो जाओ भाई, फिर माफी मंगाओ तो सारी मंगाओ, एक चीज की ना मंगाओ, सारी बातें माफी मंगाओ, किरमारा मंदिर में गया उसकी भी माफी मांगू, छोरी और मैं टोल पर रखे उसकी भी माफी मांगू, उसमें मेरी गलती है, और सरसोद भाई मेरी मौसी के छोरे गए उसके में मेरी गलती है, मैं सारी चीजें माफी मांगू भाई, और बताओ भाई पाँ पकड़ लू, इस तरह के कोई दो बात कह दू, इस बात से संबंधित नहीं सुनहरी, इस सुनहरी मैं तहरे में मैं वो नहीं कह रहा, मैं यह बात कुल कंधा, मैं ये जितना बंद करूं, मैं ये जितना बंद करूं, तो और बात की बात है, मैं और बात कहना चाहूं, मेरे संबंधित बात नहीं कहना चाहता, मेरे संबंधित कुंतू प्रधान जी, मैं तो आंदोलन से संबंधित बात कहना चाहूं, मैं तो सिर्फ आंदोलन से बात होगी, आपने कह दिया मैंने माफी मांग ली, एक बार का चार बार मांग लू, ठीक है ना, वह बात खत्म होगी, ठीक है ना, मैं तो आगे की बात कहना चाहूंगा, सारे मेरी सरदारी बैठी है तो उसमें कहने में कोई बुरी बात नहीं है, हाँ मैं कोई दर्द ले रहा हूं, कद यह बता दे दर्द ले रहा हूं, मैं मेरे से संबंधित या तो पीछे जो बात हुई उससे संबंधित कोई बात नहीं कहना चाहता, ठीक है, अब तो ठीक है प्रधान जी, मेरे संबंधित कोई बात नहीं कहूंगा, मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा, देखो इस आंदोलन को कई महीने हो गए, नौ महीने हो गए, आप लोग जो है आंधी आओ तूफान आओ आप यहां बैठे हो, किसका काम नहीं है, हर घर में काम है, हर घर में आदमी की जरूरत है, लेकिन इस आंदोलन की जो दिशा आप लोगों ने शुरू में पकड़ी थी ना, वही दिशा रखो, मेरे लिए प्रार्थना आप लोगों से उसकी दिशा चेंज ना करो, ताकि इसमें कामयाबी मिल जाए, आपकी कामयाबी मेरी कामयाबी है, आपकी कामयाबी ना होनी मेरी भी कामयाबी है, इसीलिए मन तो ये दो शब्द कहने थे, बाकी यह गलत है तो मैं ये मेरे वापिस ले लू, साथियों भाई ताली नहीं बजा करते पंचायत में, भाई जोगीराम सिंह का एमएलए साहब ने आज तक जितनी गलती हुई सारिया ही माफी मांग ली, आगे संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार का निर्णय है साथियों, आज तोड़ के कोई किसी को ब्लेम नहीं लगाते न उलाना देंगे, इस मामले को लेकर कोई बात नहीं कहूंगा,
जो संयुक्त मोर्चा ने निर्णय ले रखा ऑल इंडिया का, वह बीजेपी और उसके सहयोगी दल का, जेजेपी होता है और कोई हो किसी स्टेट में, एमएलए एमपी नेता कहीं पर भी जाएगा उसका किसान और मजदूर संघर्ष समिति विरोध करती रहेगी। ये संयुक्त मोर्चे का आदेश है, हम नहीं करते। हम जोगीराम सियाग का विरोध नहीं करेंगे, बरवाड़ा हल्के के एमएलए का विरोध करेंगे। और मैं कहना चाहूंगा, ये हमारा फैसला ना तो प्रार्थना और ना ऑर्डर जिंदा। अगला काम आपका, आपने करना था, न मारा। कोई भी जेजेपी बीजेपी का नेता हिसार जिला के किसी गांव में जाएगा, हम इसी प्रकार विरोध करेंगे जी, डट के विरोध करेंगे। यही बात है। हाँ हाँ जी, भाई देखो, ऐसे राक्षस बुद्धि इंसान तो हमें भी कौन ही, किसी का खुद का घर में, खुद का परिवार में बूढ़ा बुजुर्ग की मौत हो जाए, दमड़ दमड़ जाऊं। और वो भाई सारा हल्का में रोजाना चार चार जगह खंड में जेरा भाई को जान दिया, ठीक है, वो एक सार्वजनिक आदमी हो गया, जनप्रतिनिधि हो गया, सार्वजनिक आदमी है, उसका प्रोग्राम सार्वजनिक ही माना जाएगा। श्रीमान जी, हम आपको नहीं करे, आपके घर में, आपका रिश्तेदारी में, आपका खुद परिवार में शादी कमी हो जाती है, आज दमड़ दमड़ जाइए। और कहीं जाओगे, भाई यो मेरा लगना सा, यो मेरा वर्कर सा, यो मेरा वोटर सा, इन गल्ला निंदा, तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमें मानस मारने को नहीं, ना हमें आपकी इज्जत को ऊपर हाथ डाला किसे का भी, ठीक है ना। हम पूरा अनुशासन में रह करके देश के इस अंदर, ओ भाई बोलो ना भाई साहब, रोला मचवाल हो गया, क्यों बोलो यार, इस आंदोलन को त्याग साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने बात आगे न बढ़ा दी, तो दुनिया के लोगों ने हिंदुस्तान के किसान मजदूरों के आंदोलन को 100 में से 100 नंबर दिए। अब इस पंचायत को मैं यहीं पर संपन्न करने की घोषणा करता हूं। आज लक्का जोगीराम में कोई उलाना नहीं, पल्ला की कोई बात नहीं, छावे आज सारे अपने से बैठे रहो, आराम से जाना भाई। हाँ ठीक है, हाँ जी हाँ जी, डटिया जी, एक मिनट की बात रहेगी सरपंच साहब। 24 तारीख को मुआवजा, बीमा, नहरों में पानी, तेल का पानी, डगियों में पीने के पानी के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के खरीफ 2020 के बीमा कंपनी रिलायंस की 1000 करोड़ से ज्यादा आपके जिला हिसार के किसानों के लूट के लेकर गई, परसों डीसी के साथ मीटिंग की, ऊपर हाथ खड़े कर दिए। 24 तारीख को हिसार सेक्रेटरिएट में संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध प्रदर्शन होगा, सारे आइयो भाइयों, ठीक है।